बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे दोस्त के साथ ले मुबारक में हूँ और मैं आज आपको आज स्नो की डे में टूर दूंगा। आज बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है तो मेरा दिल कर रहा था मैं मेरे फ्रेंड के साथ बाहर जाके मस्तियाँ करूँ, इसलिए फिर हम बाहर गए हैं श्लिटन के साथ। और ये क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इधर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा लोग भी आए हुए थे और इधर आपको नज़र आ रहा है मैं मेरे दोस्त के साथ ये जो बैग कहते हैं ऊपर जा रहे हैं, फिर इधर से हम नीचे स्लीटन के साथ स्लाइड करेंगे। तो इधर हम जो रस्सी है इसकी साइड से ये सब पीछे का रहे हैं, इससे जब ये रस्सी सामने आ जाए हम एक साइड से गिर जाएंगे। तो ये अब हम नीचे जाने लग गए हैं, तो ये बहुत स्पीड से नीचे जाते हैं इस लेटर के साथ। तो ये जो है कंट्रोल भी नहीं होता, और जैसे आप इधर देख सकते हैं हम जो बुश के साथ जो टकरा गए हैं इधर सामने, नीचे भी गिर गए हैं और इधर फंस गए थे। तो ये हम फिर नीचे जाएंगे इस, और जैसे आप देख सकते हैं ये रस्सी सामने आ गई थी इसलिए हम पहले गिर गए हैं और हम फिर ट्राई करने लगे हैं। तो हम गिरेंगे या नहीं गिरेंगे वो किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो अब देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हम फिर टकरा गए हैं इसके साथ और इस ये बुश के साथ, और ये इस दफा सही टक्कर बजी है, लेकिन फिर भी ये ऐसे टक्कर मारने का मज़ा है। तो हम ऐसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही चूल्हे ले रहे थे, और इस क्लिप में हम बहुत तेज़ नीचे इधर जा रहे थे ये बैग से, और ये कंट्रोल नहीं हुआ, हम साइड में गिरे हैं और कोई 10-15 मीटर सामने गिर के स्टॉप हुए हैं, और ये जो श्लिटन है ये भी साइड में था। लेकिन फिर भी हमें मज़ा आया। तो ये देखिए रात भी हो गई है, ये रात को ये स्नो बहुत चमकती है, बहुत सोहनी लगती है। तो ये किसी ने अब स्नोमैन बनाया हुआ है, और नहीं पीछे क्रिसमस ट्री है, लेकिन क्रिसमस एक महीने से यहाँ से लंग है। तो ये स्नो में बहुत आराम से चलना पड़ता है, इसलिए जब तेज़ चलो तो ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ऐसे फिसल गिर सकते हैं और ऐसे कोई हड्डी भी टूट सकती है। इसलिए मैं स्नो में बड़े ध्यान से चलता हूँ। तो इधर भी आप देख सकते हैं इधर स्नो है, और अभी तक ऐसे 10-15 सेंटीमीटर की, और ये मैंने तो ऐसे बिल्डिंग के साथ फेंक दिया है। लेकिन आप फिर ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।